हेलो एंड स्वागत है आप सभी का उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके सामने घटना चक्र बुक भूगोल, और भूगोल में भारत की सामान्य जानकारी, एक ऐसी नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए कि भारत की सामान्य जानकारी क्या है और उससे संबंधित जो भी फैक्ट होंगे आज वो हम कवर करेंगे। सभी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो शुरू करने से पहले या वीडियो देखने से पहले आप अपने साथ एक रख लीजिए नोटबुक और पेन, और इससे प्रीवियस जो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, जैसे हिस्ट्री की काफ़ी सारी वीडियो इसमें अपलोड कर चुके हैं हम लोग, अगर वो आपने नहीं देखी है अब तक वीडियो, तो इस वीडियो के बाद में एक घटना चक्र बुक के नाम से एक प्लेलिस्ट है इस चैनल में, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको तमाम वीडियो इस बुक से संबंधित आपको मिल जाएगी। उन सबको देखिए, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं SSC CGL की या SSC MTS की, ये सभी क्वेश्चंस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे, एक जेन्युइन कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस होता है थोड़ा खोखला, एक होता है स्ट्रांग, मतलब मजबूत। अगर आप ईमानदारी से स्टडी करते हैं तो आपके अंदर मजबूती भरा कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत की सामान्य परिचय के बारे में हम इस पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है, निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। आपके सामने चार ऑप्शंस होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण क्या करता है कि स्थलाकृतिक जो मानचित्र होता है, जो मैप होता है इंडिया का, जो आप मैप देखते हैं वो मैप कौन डिजाइन करता है, कौन बनाता है, उसकी देखरेख का कार्य किसके ऊपर होता है, उस देख रेख का सारे कार्य जो होता है वो होता है भारतीय सर्वेक्षण के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। और इसकी बात करें स्थापना की, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1767 ईस्वी में। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार, आपको वर्ष याद रखना है। और मानचित्र से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो कौन विभाग देखता है, वो देखता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग या संगठन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम भी है। पूर्वी तटीय मैदान को किसी और नाम से भी हम जानते हैं, उसको हम किस नाम से पुकारते हैं या फिर जानते हैं, तो वो है आपका पूर्वी तटीय मैदान को हम कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है, तो ये अपनाया जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की कि भारत का मानक समय जो है, ग्रीनविच मीन टाइम जो है, वो क्या है, वो है 5.5 घंटे आगे, मतलब प्लस के 5:30। क्वेश्चन नंबर फाइव कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती हैं, तो ये है आपका श्रीनगर। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी नहीं मिलेंगी, नहीं प्राप्त होती हैं, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफी दूर उत्तर में है, तो स्ट्रेट तो उसके ऊपर लाइट पड़ना पॉसिबल है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका आगे कि निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर जो स्थित है, उत्तरी अक्षांश पर कौन सा स्टेट स्थित है, पटना, इलाहाबाद, पंचमढ़ी या फिर अहमदाबाद, तो इसका राइट आंसर होगा पटना। क्वेश्चन नंबर सेवन कि भारत के दक्षिण छोर जिसको बोलते हैं साउदर्न टिप का नाम क्या है, इसका नाम है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को बोलते हैं हम दक्षिण छोर या फिर साउदर्न पॉइंट, और इसी पॉइंट को, मतलब इंदिरा पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी इसको कहते हैं। आप याद रखिएगा, पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं इसको, और इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, तो आप दोनों ही पॉइंट आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर कि भारत के दक्षिण छोर को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। दक्षिण छोर को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं हम लोग, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है हमने क्वेश्चन नंबर सेवन में देखा। देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे सामने कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, यह है इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर टेन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये जो पोजीशन है, भारत संसार का सातवां सबसे बड़ा देश है।
और जो पहले स्थान पर है वह रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर कौन है हमारा इंडिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना है। यह है 4 गुना। पाकिस्तान से हमारा जो क्षेत्रफल है वो है 4 गुना ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है किसका। यह है आपके गोंडवाना लैंड का। क्वेश्चन नंबर 13 कि कौन सा देश या कौन से देश पालक स्ट्रेट से जुड़े हैं। देखिए पालक इसमें लय दे रखा है, कभी कभी आपको बोलता है पाक स्ट्रेट, तो मैक्सिमम आपको पाक स्ट्रेट बोलेगा एग्जाम में। ये पालक स्ट्रेट पहली बार कंफ्यूज करने के लिए 2011-2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा भारत और श्रीलंका। थोड़ी सी डिटेल हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि पाक जलडम बरुदे भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच में स्थित एक जल संधि है। यह बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से इसको जोड़ता है। देखिए एग्जाम की तैयारी के लिए मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि अगर समय काफी कम है तो आप इस बुक पर फोकस करिए, क्योंकि SSC क्या करता है कि 90% क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम से ही कॉपी और पेस्ट करता है। अगर एग्जाम में आपका कम समय है तो केवल डायरेक्ट इस प्लेलिस्ट में जाइए आप, घटना चक्र के सारे वीडियो अच्छे से माइंड में दर्ज कर लीजिए एक एक लाइन के साथ में, ठीक है। अगर समय आपके पास है, 8-9 महीने बचे हैं आपके एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप लुसेंट वीडियो को वॉच करिए। लुसेंट वीडियो को सभी वॉच करने के बाद में उसके बाद आप आइए घटना चक्र में। अगर आपके पास बुक है तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप बुक में से स्टडी करें। अगर बुक में से आपसे स्टडी नहीं कर पाते, आपको लगता है कि सामने कोई समझाने वाला होना चाहिए, आपको कोई सुनाने वाला होना चाहिए, तो आप वीडियो के माध्यम से भी स्टडी कर सकते हैं। टारगेट ये है कि 2017 में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आपने कमिटमेंट अपने साथ अपने आप से कर दिया है तो प्लीज उसको फुलफिल करिए, पूरी ईमानदारी के साथ स्टडी करिए। बढ़ते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। नेचुरल पोताश्रय कौन सा नहीं है, यह है चेन्नई। बाकी जो कोचीन है, मुंबई है, और पारादीप के पोताश्रय जो है वो नेचुरल है, जबकि चेन्नई जो है कृत्रिम है, आर्टिफिशियल लोगों के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दक्षिण ध्रुव प्रदेश जिसको बोलते हैं अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है क्या। दक्षिण गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें देखिए भारत के परिचय से संबंधित केवल इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं अब तक, काफी साल से 2005 से लेकर के अब तक की सारी बात करी हमने, जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे लेकिन थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन कुछ इसमें थे। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये सभी क्वेश्चन ईजी लगेंगे। बात करते हैं हम देखिए तत्वात्मक परिस्थिति के बारे में कि क्या क्या लवल नारायण जी के बारे में। देखिए छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले जो पार्ट है मतलब धब्बे हैं वो किसके निक्षेप हैं। ये लैटराइट और बॉक्साइट के निक्षेप हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका डेक्कन अधित्यका मतलब डेक्कन प्लेटू के उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर अधित्यकता है। सर क्रिक जो है वो 96 किलोमीटर लंबी ऐसी जल पट्टी है जो गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का रीजन है। सबसे बड़ा जो विवाद का रीजन है, झगड़े की जो वजह है वो ये है। आगे बात करते हैं रेड क्लिक लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। आप याद रखिएगा रेड क्लिक लाइन काफी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। रेड क्लिक लाइन किन दो देशों के मध्य की बीच की रेखा है, तो ये है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला जो पॉइंट है वो है आपका स्थलाकृति अंशचित्र जिसको बोलते हैं शीट्स प्रकाशित करने की जिम्मेदारी किसकी है, यह है भारतीय सर्वेक्षण विभाग की, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। और इसकी स्थापना कब हुई थी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। और प्लीज 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 चीटिंग मत करना, वीडियो को बैक में मत लेना, अभी तुरंत देखिए कि आपको कितना याद रहा। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, वीडियो को कितनी ईमानदारी के साथ आप देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। और कन्फर्मेशन आप देखना मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अब जो बात करते हैं अगले पॉइंट की कि पूर्व वर्तमान चट्टानों के टीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें क्या होती हैं कि चट्टानों के टीले होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वो टूट जाती है, नीचे गिर जाते हैं, उसके बाद क्या होता है अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है पॉइंट वो है कश्मीर घाटी का निर्माण वन के परिणाम स्वरूप चट्टानों में बनने वाली अभिनीति का परिणाम है, इसलिए कश्मीर घाटी प्लेटों के स्वरूप में स्थित है। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह क्या है। घोड़े की नाल जैसे एक आकार का जो द्वीप समूह है उसका नाम क्या, उसका नाम है आपका लक्षद्वीप।
और अगला जो फैक्ट है, पॉइंट है आपका, जो एग्जाम में पूछा भी गया है, ये सभी फैक्ट जो हम देख रहे हैं एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एसएससी सब जगह लिखा हुआ है कौन कौन से वर्ष में ये पूछा गया है, तो ये सभी पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। और बात करते हैं, देखिए आगे, शिमला, गढ़वाल, उत्तरी बंगाल और कश्मीर घाटी में से भारत तिब्बत सड़क द्वारा शिमला भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ है। देखिए जयपुर, नागपुर, भोपाल, हैदराबाद में से जयपुर जो है सबसे ज्यादा पश्चिम देशांतर की तरफ स्थित है। देखिए एग्जाम में आपको चार ऑप्शन देगा, जैसे बोलेगा कि जयपुर, नागपुर, भोपाल और हैदराबाद में पश्चिम देशांतर की तरफ कौन सा जो स्टेट है वो जुड़ा हुआ है, कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है जयपुर। आगे बात करते हैं, देखिए भारत के धूर पूर्व और पश्चिमी छोरों में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पे स्थित है, भारत की सिचुएशन क्या है गोलार्ध में, अगर देखी जाए, अगर ग्लोब में देखी जाए तो भारत की कंडीशंस क्या है, वो कहाँ पर है, उत्तर में, दक्षिण में, कहाँ पर, तो आपको याद रखना है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। काफी बेसिक क्वेश्चन है ये, और शायद आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो प्लीज आप तैयारी अच्छे से कर लो कम से कम, ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्य के बारे में। देखिए भूगोल की बात करें और राज्य की बात ना करें तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। अब हम बात करेंगे राज्य के बारे में। देखिए हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ टच होती है, लगती है, तो इसका नाम है किन्नौर। और देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात किन्नौर है हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर भारत चीन सीमा से लगा हुआ ये जिला है। ये कहां पर है किन्नौर, बात करी जाए तो किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर है, भारत चीन सीमा से लगा हुआ है, भारत चीन सीमा से लगा हुआ है ये जिला। और यहाँ पे क्या है, हिंदुओं और बौद्धों के मान्यता अनुसार यहाँ पांडवों ने आकर निवास करा था इस स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम देखिए संघ राज्य सभी हैं लेकिन आपसे पूछेगा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो संघ राज्य है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10+2 में पूछा भी गया है और एसएससी सीजीएल में भी कई बार पूछा गया है, और शायद आपको इसका आंसर आता होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है, वो है सिक्किम, और राज्य के किस समूह के साथ नागालैंड की सीमा साझा नहीं होती है। देखिए आप एक चीज मैप खोल के देखिएगा इस वीडियो के बाद में, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए वीडियो क्लोज करने के बाद में एक बार मैप खोलना, उसमें आप देखना असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, इनकी कंडीशंस क्या है, इनके पड़ोसी देश कौन कौन से है, तो वो कम से कम आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक ना क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप देख रहे हैं एसएससी एफसीआई में केवल 2012 में, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन एक्चुअली अदर काफी सारे एग्जाम में पूछा गया, जैसे आप रेलवे की तैयारी करते हैं वहां पूछा गया, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वहां ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार आप मैप को उठा लीजिए और मैप में देखिए कि इसकी कंडीशन कहाँ पर कैसी कैसी है और इसके पड़ोसी देशों के नाम क्या है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हैं। देखिए अब देखिए मणिपुर की सीमाओं के बारे में बात कर रहे हैं हमसे, उससे पहले हमसे बात करी कि नागालैंड के साथ ही जो मतलब सीमाएं हैं वो कौन कौन सी है, तो साझी मतलब मिली हुई, जुड़ी हुई, कुछ भी कह सकते हैं आपसे, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है वहाँ पे, ठीक है। देखिए बात करते हैं सीमा से कौन कौन सी लगी है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमा लगी हुई है, मणिपुर से नागालैंड भी टच करता है, असम भी और मिजोरम भी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, नहीं लगती है। देखिए एग्जाम में क्या करते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो पढ़ तो लेते हैं स्पीड में, पूरा मैप याद कर रखा है बच्चों ने मेरे कहने के बाद, ठीक है आप मैप याद कर लेंगे, देखिए आप फोकस करना नहीं लगती है, अगर नहीं की बात करिए तो आपको नहीं पर ज्यादा फोकस करना है और जो आपको याद है वो आपको हटा लेना है माइंड से, ठीक है। तो आप देखिएगा असम की भी, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश, कोई एक आंसर ऐसा होगा जिसकी सीमा नहीं लगती होगी, तो आपको नहीं हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहली बात ये, क्योंकि एग्जाम में बच्चे स्पीड में होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं तो वहाँ का और अलग होता है, बच्चे काफ़ी स्ट्रेस फील करते हैं, जो बच्चे वो नहीं यहाँ पे गौर नहीं करते और लगा के आ जाते हैं अपना कोई गलत आंसर, तो इसलिए याद रखिएगा नहीं लगती है तो पूछा है, उसका राइट आंसर है असम। और देखिए असम राज्य की सीमा जो को स्पर्श नहीं करती है, जबकि ये जो है आपका म्यांमार से आपका एपी लगता है, मतलब अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड लगता है, मणिपुर और मिजोरम की सीमा इसको स्पर्श करती है। अब बात करते हैं कौन सा जोड़ा सही नहीं है, शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में, वेरी गुड, बिल्कुल सही है ये, और दार्जिलिंग जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में है, पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि मैक्सिमम दालों का उत्पादन कहाँ पे होता है, वो होता है मध्य प्रदेश में, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं दालों को जबरदस्ती यहाँ पे नहीं घुसाऊंगा, बस थोड़ा याद आया तो आपको बता दिया। जोड़ा सही नहीं है वो है देहरादून, उत्तर प्रदेश में नहीं है, देहरादून जो है वो कहाँ पर है, वो है उत्तराखंड में, पहले उत्तर प्रदेश में था, ये रही सही है, लेकिन क्या हो गया, जब से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को निकाल करके उत्तराखंड का निर्माण हुआ, ठीक है,
तब से हम हमारे पास क्या हो गया, देहरादून पड़ता है उत्तराखंड में, ना कि उत्तर प्रदेश में, पहले था, लेकिन राइट नाउ आज की बात कर रहा है, अभी वर्तमान में जो ये है इसकी स्थिति है, देहरादून पड़ता है आपका उत्तराखंड में। आगे बात करते हैं, देखिए देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी भी है, ठीक है, और ये कहाँ पे, उत्तराखंड में है, जैसे बताया था मैंने आपको। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सही जोड़ा कौन सा है, असम ईटानगर, एपी गुवाहाटी, त्रिपुरा अगरतला, तो ये इसका राइट आंसर है अगरतला। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कि कौन सा मिलान सही नहीं है, अगेन मैं नहीं अभी रिपीट करूंगा, ठीक है, कौन सा सही नहीं है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल और माउंट आबू राजस्थान में, राइट है, और आपका कोड इकनाल तमिलनाडु में, बट राइट आंसर सही नहीं है मिलान शिमला। शिमला कहाँ पर है, अभी हमने कुछ टाइम पहले क्वेश्चन देखा था, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा डी। शिमला कहाँ पर है यह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा, ठीक है। आपके लिए दो क्वेश्चन हो गए, एक तो वो जिससे पहले मैंने पूछा था कि उसकी स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने डिस्कस करा था, क्वेश्चन नंबर 9 में, चलिए छोड़िए आप एक काम करिए, उसकी स्थापना कब हुई थी ये वर्ष मुझे आप कमेंट्स करना, इसका मैं राइट आंसर बता रहा हूँ, शिमला जो पड़ता है वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा कौन सा है, नागालैंड शिलोंग, उत्तरांचल नैनीताल, बिल्कुल गलत है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर, बिल्कुल गलत है, झारखंड रांची, ये सही जोड़ा है। देखिए नागालैंड की राजधानी क्या है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कैपिटल को लेकर के ग्रेड डी के जो भी एग्जाम होते हैं, रेलवे के जो भी एग्जाम होते हैं, वहाँ ये क्वेश्चन पूछता है कि किसकी कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, खासतौर पर नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की। बात करें नागालैंड की, नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा, झारखंड की राजधानी है रांची, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ये सभी के सभी जो आपके लिए सामने दिखाई दे रहे हैं आपको राज्य, उनकी राजधानी, आप इनको याद करिएगा और प्लीज इसको पेन डाउन कर लीजिएगा अगर आपको कैपिटल याद नहीं है तो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, भारत में 9 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है क्योंकि, देखिए जो नमक बनता है वो बनता है गुजरात के तट पर, क्यों, क्या रीजन है उसका, क्योंकि कम वर्षा और आपेक्षिक आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए काफी आदर्श होती है, काफी अच्छी होती है, इसलिए क्या करते हैं गुजरात के तट पर ही नमक बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस राज्य की भूमि परत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है, तो उसका राइट आंसर होगा पांडिचेरी। पांडिचेरी क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, यह है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 14 की किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, यह है गुजरात। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की कि भारत की तटरेखा कितनी है, भारत की बाउंड्री लाइन एक्चुअली है कितनी, ठीक है, जो तट से टच होती है, तो इसकी कुल लंबाई है आपकी 7516 किलोमीटर लंबी है, तो इसका विकल्प जो सी है वो राइट आंसर होगा 7500। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है, यह है अरब सागर में, और लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है, यह है 36, आप याद रखिएगा 36 द्वीप समूह है लक्षद्वीप में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्जाम के लिए, तो इसको प्लीज देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, तो ये होता है 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल से कौन कौन चीजें अलग होती हैं, ये होती है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार, मतलब अंडमान और निकोबार दोनों चीजें अलग अलग होती है, कौन से डिग्री चैनल पर, 10 डिग्री चैनल पर ऐसा होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की अंडमान निकोबार द्वीप के गद्दीदार चोटी जिसको बोलते हैं सैंडल पीक कहाँ स्थित है, यह है उत्तरी अंडमान में, ठीक है, गद्दीदार चोटी कहाँ पर है, यह है उत्तरी अंडमान में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, एक मिनट बच्चों मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, कुछ बच्चों को शायद इसमें कंफ्यूज हो रही होगी कि मैं स्पीड में आगे बढ़ गया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो क्वेश्चन नंबर 14 था कि किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, देखिए तटरेखा वैसे लंबी जो है वो है गुजरात की, याद रखिएगा, देखिए तटरेखा सबसे लंबी है गुजरात की, ये लो इसमें इसने दे रखा था,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुजरात ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सेकंड कौन सी है? सेकंड आपके आंध्र प्रदेश। अगर गुजरात नहीं दिया तो आपको आंसर आ गया ना आंध्र प्रदेश। देखिए इस एक क्वेश्चन से वो क्या पता करना चाहता है एसएससी डिपार्टमेंट कि आपको तट रेखा सबसे लंबी है ये तो पता होगा कि हाँ गुजरात है, लेकिन गुजरात ऑप्शन में नहीं है तो क्या आपको सेकंड का पता है कि सेकंड राज्य कौन सा है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो यहाँ पे वो आपसे दो चीज जानना चाहता है, आंध्र प्रदेश का नाम आपको पता है या फिर नहीं पता, या फिर गुजरात का नाम आपको पता है या फिर नहीं पता। गुजरात नहीं दिया तो आंध्र प्रदेश आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो है तटरेखा सबसे लंबी जो है वह गुजरात की और सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश की। राइट, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 15 में, अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि देखिए यहां पूछ रहा है कि किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। यहां पे आंध्र प्रदेश गुजरात दोनों दे रखा है, गुजरात प्रायोरिटी में सबसे टॉप नंबर 1 पे रहेगा, गुजरात यहां पे दे रखा है तो आप गुजरात आंसर लगा के आएंगे। अगर गुजरात ना दिया हो तो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में गुजरात नहीं था तो हमने आंसर कौन सा लगाया? ए, आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों को टच करती हैं? तो ये करती हैं 3 देशों को, उनके नाम क्या है? उनके नाम है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। क्वेश्चन नंबर 22 है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं क्या? कोरोमंडल। जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय भूभाग है उनको क्या कहते हैं? कोरोमंडल। और केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट। केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को बोलते हैं कोरोमंडल। तो आप ये प्लीज नोट कर लीजिएगा, इसको मैं बहुत फोर्सफुली आपसे बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, कोरोमंडल और मालाबार तट कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। और ये बुक जो है एसएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स के फोकस से बहुत अच्छी बुक है, आप इसको याद कर सकते हैं, इसको परचेस कर सकते हैं। अगर परचेस आपको करना है तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने इसका बुक का लिंक आपको दे रखा है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट जाकर भी आप परचेस कर सकते हैं, जहां से बेस्ट लगे आपको वहां से आप परचेस करिए। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 24 की, कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का एक अंग नहीं है? तेलंगाना पठार का पश्चिमी घाट बिल्कुल एक अंग है, एक भाग है, सतपुड़ा भी है, पूर्वी घाट भी है, लेकिन अरावली नहीं है। इसने बात करी है नहीं है कि, तो अरावली बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वह है जवाहर टनल, किस राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग जो बनाई गई है भारत की सबसे लंबी सुरंग है, पहली बात तो ये, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जवाहर टनल सुरंग, ठीक है। और ये कहां पर बनाई गई है? ये बनाई गई है जम्मू और कश्मीर में। कहां पर? जम्मू और कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी सुरंग है ये, भारत की सबसे लंबी सुरंग ये है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 26 में मिलान कीजिए और किसका मिलान क्या है? हम लोग ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे, इसको डायरेक्ट हम करेंगे कि भटकल कर्नाटक में है और एलपी जो है वो केरल में है, तूतीकोरिन पड़ता है तमिलनाडु में। ये पतन और उससे संबंधित ये कुछ स्टेट के नाम दिए गए हैं, तो हमको मैच मेकिंग करना था, तो मैच मेकिंग अगर आप कर सकते हैं डायरेक्ट तो अच्छी बात है, वरना फिर आप डायरेक्ट इसको याद करिए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का सदस्य है? सेवन सिस्टर मतलब सात बहनें, त्रिपुरा है, ठीक है। सेवन सिस्टर किस किस को बोलते हैं? मतलब सात एक राज्य हैं जो आपस में जुड़ते हैं, काफी संबंध रखते हैं आपस में, काफी घनिष्ठ, तो उसको बोलते हैं सेवन सिस्टर। तो पूर्वोत्तर भारत के सात प्रमुख राज्यों को सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। इन राज्यों का नाम है नागालैंड, मणिपुर, एपी, एपी का मतलब है आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए सेवन सिस्टर आप प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, सभी सिस्टर जो भी हैं सबके नाम, एग्जाम में कहने की घुमा फिरा के इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप प्लीज अपना बैकबोन बना के चलिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखिए, बिल्डअप तभी होगा जब आप पढ़ेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? वो है राजस्थान। गुजरात के पास समुद्र है, गोवा के पास है, महाराष्ट्र के पास है, लेकिन राजस्थान के पास कोई भी समुद्र नहीं है, मतलब समुद्री सीमा इसकी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? ये करी जा रही है कोचीन में। और सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला है केरल में। और सबरीमाला केरल के पथनमथिट्टा जिले में अवस्थित है। सबरीमाला अथपतन देव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। दीव एक द्वीप है। तो ये है आपके गुजरात से हटकर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत पर और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मतलब बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है सरक्रिक। सरक्रिक किस किसके बीच में है? ये तटीय पट्टी है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बातचीत का एक हिस्सा है।
तो इसमें क्या क्या कहा गया है, देखिए इस स्थल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में काफी टाइम से झगड़ा चल रहा है, विवाद होता है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्रस्तावित समुद्री मार्ग जिसको बोलते हैं सेतु समुद्रम किन समुद्रीय विथिकाओ मतलब सी लेन से गुजरने वाली नहर है, इसका नाम है मन्नार की खाड़ी। आगे हम बात करते हैं, देखिए भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है, टच नहीं होती है, तो उसका राइट आंसर है पांडुचेरी। ठीक है ना, पुडुचेरी पांडिचेरी कुछ भी बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है, तो उसका राइट आंसर है कर्नाटक। मैं बस एक बात बच्चों आपसे और बोलना चाहूंगा कि अगर आपने एटलस परचेस नहीं कर रखा तो आप एटलस परचेस कहीं से कर लो। आप मेरे कोई भी वीडियो देखते हैं तो बार बार आप पीडीएफ में अगर आप मैप ओपन करते हैं, मोबाइल पे मैप ओपन करते हैं तो नहीं हो पाएगा। मोबाइल पे या तो आप वीडियो वॉच कर सकते हैं या फिर एक बार पीडीएफ का मैप। ठीक है, तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट पढ़ाई में करना पड़ेगा, कर लीजिए। क्योंकि अगर भूगोल को ज्योग्राफी को अगर आप मैप के साथ स्टडी करते हैं तो बड़ा मजा आता है। जैसे कि आपको देखिए पहला क्वेश्चन जो था हमारा 35, आपको नहीं पता कि कर्नाटक कहाँ पर है, आपको नहीं पता कि तमिलनाडु कहाँ पर है, तो आपके पास भूगोल की वीडियो तो होंगी आपके सामने देखने के लिए, लेकिन समझ आपकी जल्दी से बिल्डअप नहीं हो पाएगी। उस समझ को बिल्डअप करने के लिए आप मार्केट से एटलस का, ऑक्सफोर्ड का कोई भी मैप परचेस कर लीजिए और उस पर हर एक स्टेट को आप देखिए कि कौन सी स्टेट कहाँ पड़ती है। अच्छा कर्नाटक यहाँ पर है, अच्छा पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती, भाई तमिलनाडु के साथ तो लग रही थी, आंध्र प्रदेश। अब देखेंगे ये चीज मैप में, ठीक है ना, और बिना मैप के भूगोल समझना बहुत ही टफ कार्य बन जाता है, बहुत ही टफेस्ट जॉब बन जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि मैप परचेस कर लो, कोई भी परचेस कर लो मैप, मतलब ऑक्सफोर्ड का, एटलास का, कुछ भी चलेगा। अब देखिए बात करते हैं कि इसके डिटेल में थोड़ा सा हम इसके स्टडी करते हैं वन लाइन जीके के बारे में कि असम राज्य का करीमगंज जिला सिलचर के पास भारत बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। बिहार उड़ीसा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में से मध्य प्रदेश इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है। किन्नौर भारत चीन सीमा से तथा पश्चिम खासी पहाड़ियां जो वेस्ट खासी हिल्स भारत बांग्लादेश सीमा से लगा हुआ है। आगे हम बात करते हैं, देखिए डक्कन पैसेज कहाँ पर है, दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। डक्कन पैसेज की जो स्थिति है वो क्या है, आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, तो आपको याद रखना है दक्षिणी और लिटिल अंडमान के ये बीच में है। आगे बात करते हैं, देखिए नागालैंड त्रिपुरा असम और म्यांमार में से नागालैंड राज्य की सीमा मिजोरम से कभी भी टच नहीं करती है। तो इसलिए मैंने आपसे बोला था बच्चों मैप परचेस कर लीजिए जहाँ पे आपको पता चलेगा कि नागालैंड त्रिपुरा असम या म्यांमार कोई भी स्टेट उसके पड़ोसी देश आपको याद रखने हैं मैप में, कौन सा राज्य है उसके पड़ोसी देश कौन कौन से है, भोपाल कहाँ पर है या फिर मध्य प्रदेश कहाँ पर है, ग्वालियर कहाँ पर है, तो ये सब भी आप छोटे छोटे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट जो जिले वगैरह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह होते हैं, वो आप याद करिएगा मैप के माध्यम से। आगे हम देखिए बात करते हैं कि असम नागालैंड तथा भूटान में से मणिपुर राज्य की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। पेरियार कन्याकुमारी मदुरई तथा तिरुचिरापल्ली में से कन्याकुमारी तमिलनाडु का सीमांत जिला है, मतलब कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है। अब मध्य प्रदेश के रीवा होशंगाबाद रायसेन शहडोल जिलों में से रीवा जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, केवल एक ऐसा जिला है वो है रीवा जिला जो यूपी से टच करता है, और ये क्वेश्चंस काफी ही काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे ज्यादा किसको स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, सबसे ज्यादा राज्यों को टच कौन सी स्टेट करती है, वो करती है उत्तर प्रदेश, बहुत सारी स्टेट को साथ कहीं ना कहीं टच कर जाता है वो। तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, जो यूपी प्रीलिम्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्वेश्चंस काफी बेसिक क्वेश्चंस है, शायद उनको आता होगा, अगर नहीं आता तो उसको नोट करें और याद करें, हो सके तो नोट ना करें तुरंत वीडियो को पॉज कर लीजिए, 5-6 बार इसको बोल के देखिए आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक पूरी लाइन, तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं देखिए आगे की, मिजोरम मणिपुर नागालैंड और मेघालय में से मेघालय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। ठीक है, म्यांमार से कौन सी नहीं लगती है, मेघालय कभी भी म्यांमार को टच नहीं करता है, बाकी मिजोरम मणिपुर और नागालैंड मेघालय को टच करते हैं। आगे बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश एवं जम्मू और कश्मीर ऐसे राज्य हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तीन देशों से मिलती है। तीन देशों से किस किस की सीमा मिलती है, तो आप याद रखिएगा क्या, बंगाल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। आगे बात करते हैं, गोवा राज्य अपने सागर मतलब बीच के लिए सबसे अधिक विख्यात है। जैसे कहते हैं गोवा चलते हैं, गोवा की बीच काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो गोवा राज्य अपने सागर मतलब बीच के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और मिजोरम राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दो देश
किस किस बांग्लादेश एवं म्यांमार के साथ लगती है। आप याद रखिएगा, मिजोरम राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दो देश मतलब बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में लगती है। आगे हम बात करते हैं, देखिए कि पालघाट के बारे में, जिसको बोलते हैं पलक्कट, मतलब वेनाड और इकुडी को छोड़कर केरल के सभी जिले तटवर्ती हैं। सिक्किम राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ठीक है, कोई रेलवे ट्रैक यहाँ पे नहीं है सिक्किम में। और तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में पुदुकोट्टई जनपद स्थित है। सुल्तानपुर जिला प्रतापगढ़ जिले के उत्तर दिशा में स्थित है। कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर तथा चुरू में से कोटा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, ठीक है। बाड़मेर, जैसलमेर और चुरू, ये सभी क्या है, मरुस्थलीय जिले हैं, लेकिन कोटा जो है मरुस्थलीय जिला नहीं है। आगे बात करते हैं, फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में हरदोई जनपद स्थित है। और मुजफ्फरनगर, बुंदेलशहर, ये सॉरी बुलंदशहर, पानीपत और रिवाड़ी में से मुजफ्फरनगर जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। सिख धार्मिक परंपरा का स्थान ननकाना साहिब भारत में नहीं है। ननकाना साहिब जो है वो भारत में नहीं है। और आगे जो है हमारा अगला पॉइंट, वो है वीरभूमि जिले, जिसे हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर में स्थित जिला कौन सा है, उसका नाम क्या, उसका नाम है मालदा। देखिए वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैप पूरे इंडिया का, ठीक है। अगर आप अभी परचेस नहीं कर सकते, आपका मूड है कि कुछ दिन बाद परचेस करूँगा, तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए यहीं पर। और कुछ स्टेट को आप बड़े ध्यान से देखिए, जैसे राजस्थान, जयपुर, और बात करी थी हमने बांग्लादेश, अगरतला, त्रिपुरा, यहाँ पड़ता है। तो आप इस तरह से आप कुछ स्टेट को तो याद कर ही लीजिए आज, क्योंकि अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला होगा। अगर आपके पास मैप नहीं होगा तो आपके सर के ऊपर से सब कुछ जाएगा, मतलब आपको सुनाई देगा, बस केवल आप देखेंगे लेकिन समझ में आपको कम आएगा। अगर समझने की स्पीड ज़्यादा इंक्रीज करनी है तो आप प्लीज़ मैप को परचेज कर लीजिए। और फिलहाल बेसिक मैप ये था, इसी तरह का मैप आपको मिलेगा। और एक मैप नहीं, पूरा एक बुक आती है उसकी, मोटा सा ऑक्सफोर्ड का एक बुक आती है, जिसमें आपका आपका ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ, नॉर्थ, ये सब इंडिया के मैप दिए होंगे वहाँ पे आपको। और बाकी वर्ल्ड की बात करेगा, कहाँ पे क्रॉप्स ज़्यादा होती हैं, वो मैप आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप प्लीज़ इसको देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने, और इसके डाउन में आप देखिएगा कि क्या क्या स्टेट है और कहाँ पे आपका अंडमान निकोबार कहाँ पड़ता है, बे ऑफ बंगाल, शायद आपको इतना पता होगा। अगर नहीं पता तो प्लीज़ इसको मैप को आप फोकस करिए। और इसी के साथ लेता हूँ मैं आपसे अलविदा, और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बगल में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, उस बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। और आपका कोई भी फ्रेंड अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को प्लीज़ उस तक शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। और एक बार मैं कहना चाहूँगा कि घटना चक्र की जो भी वीडियो है उसको देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे घटना चक्र की आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम कम है तो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे फोकस करिए, मैं अगेन बोलूंगा। अगर आपके पास 7 से 8 महीने एग्जाम में बचे हुए हैं तो सबसे पहले लुसेंट की वीडियो को वॉच करिए, लुसेंट की वीडियो इसमें अवेलेबल है इस चैनल पे, वो देख लीजिए, अदरवाइज ऑडियो देख लीजिए, या फिर आपके पास बुक है तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ऑडियो वीडियो देखना ही है, कंपलसरी है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया तो ऐसा कुछ नहीं है। टारगेट ये है कि आपको जहाँ से आउटपुट आपका अधिक आता है, जहाँ से आपकी स्टडी अच्छी होती है, उसको फॉलो करिए। बुक में से बुक है तो बुक को परचेज कर लीजिए, मार्केट से अवेलेबल बड़ी आसानी से बुक ये हो जाएगी, लुसेंट बुक, ठीक है। घटना चक्र बुक शायद आपको ना मिले तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है, वहाँ से परचेज कर लीजिए। अगर परचेज नहीं करना है आपने, वैसे ही आप लोगों ने ढेर लगा रखा है बुक का अपने बुक सेल्फ में, अब नई बुक खरीदते समय आपको डर लगता है कि यार मैं क्या उसके ईमानदे से पूरा कर पाऊंगा, तो प्लीज़ मत करिएगा उस बुक का परचेज, ठीक है। डिपेंड हो जाइए वीडियो पर, और वीडियो के जब भी आप वॉच करेंगे तो अपने साथ नोटबुक और पेन रखिए और नोट्स बनाइए, ठीक है। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, बाय बाय, टेक केयर।